कोविड से ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। उसे जिला गुरदासपुर के कस्बा काजला में मुस्लिम अहमदिया जमात ने इंडियन नेशनल अहमदिया हेडक्वार्टर से ईद की नमाज अदा की थी। जो खुतबा ईद उल अजहा इरशाद फरमाया था उसका खुलासा अब आपके खिदमत में पेश किया जाता है। ऐसा हम ताबूत और सूरत फातिहा की तिलावत के बाद हुजूर अंगन ने सूरत की आयत नंबर 38 की तिलावत फरमाई।
लेकिन तुम्हारा तकवा उस तक पहुंचेगा। इसी तरह उसने तुम्हारे लिए उन्हें मुसफर कर दिया है ताकि तुम आज के शुभ अवसर पर ये कहना चाहता हूँ कि आप सबको पता है कि इस्लाम में दो ईदें होती हैं। एक ईद उल फितर कहलाती है जो रमज़ान के 29-30 दिन रोज़ों के बाद होती है, और ये ईद जो कुर्बानियों की ईद कहलाती है, ये आज से 4000 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी और उनके छोटे बच्चे ने जो कुर्बानी दी और एक बेआब गया जंगल में, सहरा में, जहाँ ना कोई दरख्त था ना कोई पानी था, वहाँ पर खुदा की इबादत के लिए जो घर बनाया गया था उसमें वहाँ पर लाके छोड़ दिया, और आज वहाँ पर अल्लाह के फजल से जंगल में मंगल है और लाखों लोग वहाँ पर जाते हैं और उस बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं और हज अदा करते हैं, और जो हज को नहीं जा पाते वह अपने अपनी जगहों पर जो है वो ईद मनाते हैं और कुर्बानियाँ करते हैं। और इसका फ़लसफ़ा ये है कि जिस तरह जानवर के ऊपर हम छुरी फेरते हैं, उसको ज़िबा करते हैं और वो हमारे आगे लेट जाता है, इसी तरह हमको अपने रब के हुजूर, अपने खुदा, अपने ईश्वर, अपने परमेश्वर भगवान के आगे ऐसे लीन हो जाना चाहिए कि हमारा तन, मन, धन और हर चीज़ जो है खुदा के लिए कुर्बान है। और बनीनु इंसान की हमदर्दी, यही दो बड़े उसूल हैं इस्लाम के, कि अल्लाह की सच्ची भक्ति करनी चाहिए, उसकी रज़ा, उसकी खुशनुदी की खातिर ज़िंदगी गुजारना चाहिए और मखलूक खुदा की हमदर्दी करनी चाहिए। यही बड़ी ईद का, ईद उल अज़हा का, कुर्बानी की ईद का ये पैगाम है। हम सारे मुल्कवासियों को, भारतवासियों को इस ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं और इस तरह आप सबको भी ईद की मुबारकबाद देते हैं।